नफ़रत और मोहब्बत की जंग में नफ़रत के पैरोकारों ने एक बार फिर से मोहब्बत के उस अलमबरदार के खिलाफ जंग छेड़ दी है। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कह रहा है कि राहुल गांधी को मार देना चाहिए, कोई कह रहा है जबान काट लेनी चाहिए, कोई कह रहा है जीभ को आग लगा देनी चाहिए, और ये सब हो रहा है इसी देश में खुलेआम। देश के प्रधानमंत्री चुप हैं, देश के गृह मंत्री चुप हैं, एक मंत्री आतंकी कह रहा है, एक राज्य का मंत्री राहुल गांधी के खिलाफ जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है वो अपराधियों की भाषा है। भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र का एक राज्यसभा का सांसद जो पढ़ा लिखा है वो जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है ये अपराधियों की भाषा है, गुंडों की भाषा है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल का एक विधायक जिस तरह की बात कर रहा है, उसके बाद भी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी ये बताती है कि जिस तरह से गोडसे का सहयोग करते हुए गांधी के खिलाफ एक माहौल बनाया गया था और अंततोगत्वा गांधी को मार दिया गया था, वैसा ही कुछ माहौल इस देश में राहुल गांधी के खिलाफ बनाया जा रहा है। आज पूरा देश हैरत में है कि देश के नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है और केंद्र सरकार की जिम्मेदार एजेंसियां, केंद्र सरकार के गृह मंत्री चुप्पी ओढ़ करके बैठे हैं। इससे जाहिर होता है कि इन नेताओं को शह कहां से मिल रही है, इन नेताओं को सपोर्ट किसका मिल रहा है। आप सोचिए, अगर नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ भाजपा के बड़े नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं तो इस देश की आम जनता के खिलाफ किस भाषा का इस्तेमाल करते होंगे। वो राहुल गांधी की जीभ काट लेना चाहते हैं। क्यों काट लेना चाहते हैं? क्योंकि राहुल गांधी उसी जबान से इस देश की आम आवाम की बात करते हैं। वो पिछड़ों की जातिगत जनगणना की बात करते हैं, वो दलितों के हक के लिए बात करते हैं, वो अल्पसंख्यकों के हक के लिए बात करते हैं, वो महंगाई के खिलाफ बात करते हैं, वो सरकार की कमियां उजागर करते हैं, प्रधानमंत्री पे सवालिया निशान खड़ा करते हैं। इसलिए भाजपा के नेता उनकी जबान काटने की बात कर रहे हैं और इस भाषा को सुनने के बाद भी भाजपा नेतृत्व चुप है। आज तक किसी भी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, किसी नेता को जेल नहीं भेजा गया है, चुपचाप भाजपा नेतृत्व सुन रहा है। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से और गृह मंत्री जी से, दोनों लोगों से कहना चाहता हूं कि देश समझ रहा है आपके नेताओं को, आपकी शह है। अगर शह ना होती तो अब तक आप अपने इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर चुके होते। देश राहुल गांधी के साथ खड़ा है, देश गोडसे के साथ नहीं है। ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं? मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, अपने इन आपराधिक नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करिए। गुंडों की भाषा इस्तेमाल कर रहे अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करिए, वरना हम यही मानेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके इशारे पर हो रहा है।